सब तो पहला नन्नी छानी सारे स्टूडेंट्स नूं मैं बहुत बहुत बधाई देनी हाँ कि तुसीं इस सेंटर तो सिक्ख्या लैके अपने पैरां च आत्मनिर्भर होने वास्ते तुसीं इह उपराला कीता। माफ़ी मांगदी हाँ इस गल दी कि तुसीं अपनी सिखलाई लैते तुहानूं शायद 2 साल हो गए ते शायद तुहानूं कितें लगता होगा कि पता नहीं मशीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी जरूर गल करते होंगे ते बिल्कुल जायज थोड़ी गल है, लेकिन मैं इन्ना ही विश्वास दिलाना चाहती हाँ कि मेरी मजबूरियां रुझेवे करके लेट जरूर हो गई, लेकिन मैं भुली नहीं सी मशीन तो थोड़ी मेरे को पई है काफ़ी चिर दी, तो हरेक नूं मिलेगी क्योंकि आ मशीना मैं किसी सरकार तो या किसी होर खजाने तो नहीं, ये मेरी अपनी आमदन तो मैं थानू दिनी हाँ। जिवें तुसी अपना आशीर्वाद दे के मैनू इत्थे ताईं पहुँचाया तो मैं अपना फर्ज समझिया कि तुसी जे मैनू अगे वधाया तो हुण मैं थानू अगे वधावां, जिदे करके सिलाई सेंटर खोले गए उत्थे तुहाडे वर्गिया कईआं नूं हुण तुहाडे इत्थे इस उत्ते ने तशद्दत होंदे ने, धीआं दी भरूण हत्या कीती जांदी है बोझ समझ के, आपां किसी दे उत्ते बोझ क्यों, सानू जे मौका दिता जाए अपने पैरां च खड़ के असी समाज का मान परिवार का मान वधा सकते, इज्जत वधा सकते हाँ, अपना रुतबा वधा सकते, सानू सिर्फ मौकियां दी घाट कमी है। सो एक मौका प्रदान करन दा मेरा एक निशाना सी अज इत्थे मैं मुबारकां तुहानू देंदी हाँ। एक बेनती जरूर करदी हाँ कि मैं इस ये जिहड़ी तुहानू ये सिक्ख्या दित्ती इहदे इंस्टे मैं कुछ नहीं मंगदी क्योंकि मंगण दा तां मतलब ही नहीं है, तो मेरे वालों एक सेवा सीगी, मैं तुहाडा शुकराना करदी कि मेरे सेंटर नूं तुसीं आ के कामयाब कीता, पर इन्नी जरूर बेनती करदी हाँ कि इस सोच नूं तुसीं अपने परिवार तां ही लैके जाओ क्योंकि परमात्मा ने जे कदे ती ते पुत आदमी दे औरत विच रब ने कोई फर्क नहीं कीता ते क्यों साडे समाज विच औरतां ते कुड़ियां ते मुंडियां दे विच इन्ना फर्क कीता जांदा है। जे असीं समाज की सोच नहीं बदल सकते अपनी सोच तो बदल सकते हैं ना, अपने घर च तो शुरुआत कर, हरेक जना अपने घर च करूगा समाज आपे बदल जूगा। एक तो तुसीं अपने घर च आपदे ती ते पुत विच तुसीं फर्क नहीं करना ते दूजियां नूं भी प्रेरना है। दूजी गल जिहड़ी रीति रिवाज साडे परिवारां च साडे समाज विच एक दाज वर्गी रसम की चीज़ है, आ दाज मैं समझदी एक औरत की बेइज्जती नहीं बंदिया की भी बेइज्जती है। जिहड़े माँ प्यो आपदे मुंडे का मुल पाउंदे ने कि भी साडे मुंडे का मुल की एक मोटरसाइकिल या एक गड्डी का मुल हैगा या एक गोल्ड की चेन तुहाडा मुल हैगा, मतलब इस दाज के खिलाफ इस रसम के खिलाफ किसी धर्म ने नहीं सत्कारिया। साडे सिख धर्म देखो तो गुरु साहब चौथे पातशाह फरमाते ने होर मनमुख दाजे जे रख दिखाले सो कूड़ अहंकार कच पाजो, ये दिखावा रूपी जरा राज दाज होंदा है कूड़ा होंदा है, इहनू करन वाले लोग अहंकारी मनमुखी होंदे ने, ते की अहंकारी होके मनमुखी होके रब की खुशी मिलती है कि कन्ने गुरुद्वारा ते मंदिरां च जाके मत्था टेक के गुरु की खुशी मिलती है कि उन्होंने दिखाए हुए राह ते चक्की मिलती है। सो क्यों ना रब के दिखाए हुए राह ते चलीए, इस दाज वर्गी रसम जिदे करके धियां की भ्रूण हत्या होंदी है, पता नहीं किन्नी कुड़ियां नूं दाज की सूली च चढ़ा के उन्होंने जला सड़ा के कतल कर दिता जाता है, जिस दाज करके साडी बेइज्जती हुंदी मारिया कुटिया जाता है, फिर इस रसम नूं अपना घर का हिस्सा क्यों बनाइए। घट तो घट थोड़े मुंडे का जब विआह होगा तुसीं कह सकदे मैं आपके मुंडे बिना दाज का विआह करांगे, जे तुसीं आपके मुंडे के विआह च दाज नहीं लोगे ना तो फिर किसी धी के मापिया आप धी नूं दाज बोझ समझ के वो हत्या नहीं करनी पेगी, शुरुआत अपने घरों कर लीए आप। सो सिर्फ धरती माँ के कुखों जमे हुए रुख ने, अज धरती माँ के इन रुखा खत्म करके किन्नी बीमारियों का शिकार असी आप बन रहे वातावरण खराब होने करके। सो इन्हों किसी नेड़े तेड़े पार्क से स्कूल से वेड़े से आंगन से जिथे तुसी लगा सकते हो इस रुख नू लाओ ते इनू हरा भरा करके वड्डा करन वास्ते अपना योगदान पाओ ताकि कुदरत की भी सानू खुशी मिले धरती माँ की भी खुशी मिले। सो थोड़े सारे का मैं